हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी ऑफिस से आया हूं मैं, क्योंकि अभी अर्जेंट कॉल गई थी सोनू भैया की, क्योंकि रिंकू भैया निकलने वाले हैं। अभी अलीगढ़ में आए हुए हैं, तो उनसे मिलना भी कुछ दिन पहले मिले थे हम एनवाइस ग्राउंड में, लेकिन एक और वीडियो शूट करनी है उनके साथ, ब्लॉग शूट करना है पर्सनल मिलकर गाइस। तो अभी उनसे मिलने आए, तो ग्राउंड में आए गाइस। देख सकते हैं ग्राउंड है, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, ये ग्राउंड है पूरा। अभी चलते हैं अंदर, अभी रिंकू भैया को कॉल करूँ, उनको सोनू भैया को, तो सोनू भैया आएंगे। अभी चलते हैं, मिलते हैं रिंकू भैया से, आपको भी मिलाते हैं। बड़ा खुशी हो रही है, मैं तो मिलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मिलता हूँ तभी खुशी होती है, क्योंकि अलीगढ़ के आनवान इंसान रिंकू सिंह गाइज, देख सकते हैं मेरे चैनल के दाता। तो मिलते हैं गाइज आगे। हमारे साथ हम सोनू भैया से मिल चुके हैं। हेलो भैया, कैसे हो भैया? ये हमारे विशाल जी बैठे हैं, और देखो ये मैच भी चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है ये मोगाखेड़ा स्टेडियम में। कई बार आ चुका हूँ, आपको पता है, यहाँ पे भैया की मेहरबानी से। और भैया को अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है भैया ने, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन भैया को। और एक और चीज़, कार भी आई है घर में, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन। और अभी रिंकू भैया जी ने अपने बड़े भाई सोनू भैया जी को ये देखो आईफोन 15 दिया है। रिंकू भैया ने गिफ्ट किया है, मतलब सोनू भैया को अचानक से सरप्राइज गिफ्ट किया है। और ये 15 प्रो मैक्स भैया दिखा रहे हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है, मतलब ग्रे कलर में सच में। अभी चालू भी नहीं किया भैया ने, मतलब उसमें सिम में पड़ी होगी अभी पूरी तरह से है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन भैया जी अगेन, थैंक यू भाई, ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट मिलते रहेंगे सर। सो गाइज अभी ग्राउंड में आए और हम सर को, सर से ना मिलाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सर मिले हमारे मसूद सर, हमेशा स्मार्ट लगते हैं, ऑलवेज स्मार्ट लगते हैं, अभी भी लग रहे हैं। हेलो सर। फाइन फाइन, बढ़िया है सर, सब बढ़िया। जैसा कि आप सभी जानते हैं रिंकू भैया एक कोच मसूद अमीनी सर, और इनके संग भी जल्द ही मेरे चैनल पे एक पॉडकास्ट आएगा, जो जल्द ही आपके सामने उजागर करेंगे हम। तो अभी सर से भी मिले, बहुत अच्छा लगा हमें सर से मिल के। अगेन मिलते रहेंगे, जब जब भी आएंगे तब मिलेंगे। और अभी टूर्नामेंट का मज़ा ले रहे हैं सर, सर के बच्चे खेल रहे हैं, तो सर देख रहे हैं कैसे कैसे सही तरह से सिखाया नहीं सिखाया है। ओके गाइस, मिलते हैं आगे। तो आपको बोला नहीं मैंने, मतलब बेड़ी का काम हो गया, जी सारे के लगा रहे हैं। और चलिए गाइस चलते हैं। अरे इसमें वीडियो डाली है ना, बहुत टीम से कर रहे हैं, मैं तो लेवो ही नहीं अंदर, इन्हीं को तो मांग रहा हूं मैं पास। अच्छा, फकीरा जी से तो मांग रहा हूं। क्या लगा, तुम देखिए हमने वीडियो बढ़िया बनाई तुमने, कर लो तुम जो भी कर लो, जो भी चैनल है ना भैया के वजह से। तेरी वो एक लगा दिया था, उसपे 713 के लाइक, मतलब 13 के व्यूज हो गए थे, उसी से मोनेटाइज हुआ चैनल। अच्छा, सब कुछ उसी से हुआ, मतलब फिर एक शॉर्ट डाली थी मैंने मिनी ब्लॉग, वो भी मतलब उसपे 7 मिलियन व्यूज है। नहीं मैंने एक बार देखा यूट्यूब पे, मतलब तो मैंने भैया से बोला था एक छोटा सा पॉडकास्ट उठा, भैया ने पॉडकास्ट तो मत लेना, नॉर्मल ब्लॉग उठा लेना। मैंने ठीक है ठीक, बना लो पहले फोटो खींचते। गाइज वो समय आ गया, भैया से हम मिलने आ गए हैं, और भैया बैठे हुए हैं, दिखाते हैं अलीगढ़ की आन मान शान, जो मेरे चैनल की जान है। और ये हमारे बड़े भैया। हेलो भैया जी। हेलो जी। ये हमारे रिंकू भैया, और इंडियन क्रिकेटर में। तो भैया कैसे हैं आप ये बताइए पहले। बस बढ़िया, ऐसे ऐसे शूट करते मतलब मैं घबरा रहा हूँ शूट करने में, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो भैया एक दो क्वेश्चन है पूछ लूं। जी बताइए, पूछिए। सबसे पहले तो आप अभी जब आपने नीली जर्सी पहनी, मैं दो तीन बार घर चला गया, आंटी से मिला, अंकल जी से मिला, भाभी से भी मिला हूँ, भैया से तो मिलता रहता हूँ सोनू भैया से, तो सबने बोला कि मतलब बड़ी खुशी होगी जब रिंकू भैया नीली जर्सी पहनेंगे, और पूरी अलीगढ़ को खुशी है, इंडिया को खुशी है। आपको कैसा लगा, बस मुझे ये पूछना है। नहीं, काफी अच्छा लगता है जब मतलब इंडिया टीम के लिए खेलते हैं, और सबका सपना वही होता है खेलने का, और उसी के लिए मेहनत करते हैं। तो जब मैं जर्सी पहनी थी तो काफी अच्छा फील हुआ था, तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को कॉल करी थी, वीडियो कॉल बता रहे थे, अंकल जी बता रहे थे, तो जर्सी पहन के दिखाई थी मैंने, तो काफी अच्छी फीलिंग थी। एक और क्वेश्चन, जब आप केकेआर के लिए खेल रहे थे, जब माही भाई पीछे खड़े थे ना, तो कैसा फील आ रहा था, मतलब जब कीपरिंग कर रहे थे वो? मेरा दिमाग तो बैटिंग पे था, बैटिंग पे था, मतलब क्योंकि एक लेजेंड जब पहली बार खेले थे, जब मैं फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ, जब माही भाई पीछे कीपरिंग करे, तो कैसा लगा जब, जैसे आप खेलने के लिए आए हो, पीछे माही भाई खड़े हुए, महेंद्र सिंह धोनी जी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, बोलती सारी चीज है। तो गाइस बताया कि मतलब भैया से काफी टाइम से, अभी नुमाइश में भी मिलना हुआ भैया, लेकिन पर्सनली नहीं मिल पाया मैं, क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी, आप देख सकते हैं कितना क्राउड था उस दिन, क्योंकि दो दो सेलिब्रिटी आए हुए थे, एक रिंकू सिंह, एक बी प्राक, और बी प्राक को ना देख के तो मैं तो उन्हीं ज्यादातर भैया का शूट करता रहा था, इतना बी प्राक का भी शूट नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच भैया। अभी रोहित भैया के संग आपने
शूट मतलब जब इतने अच्छे रन मारे थे, मैं उस टाइम शिमला में था। अच्छा, शिमला। तो मैंने वीडियो बना के भी डाली थी, क्योंकि मैं भैया का परिचय करा दूं। ये हमारे विशाल जी हैं, इन्होंने 45,000 किलोमीटर की यात्रा विदाउट मनी की है। अच्छा। भारत की यात्रा। अच्छा। ये ब्लॉगर है। अच्छा, तो आज इन्होंने भैया ने बोला कि एक मेरे को भी फोटो दर्शन करा दे। तो अभी भैया का थैंक यू सो मच मिलने के लिए। और आपको मतलब मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मिलना तो नहीं हो पाया। पहले एक बार APL में आपके संग फोटो हो चुका है मेरा, उस टाइम की वीडियो भी मेरी वायरल हुई। मेरे चैनल पे आपका ही पूरा कर्म है, और ऐसे ही बनाए रखना। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि जो होता है भैया बताना चाहिए है। सच में आप मेरे, क्योंकि मेरे जो 1300 सब्सक्राइबर थे, आज मेरे 31,000 सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे, वो भी आपकी वजह से है। तो अब मैंने भी सोच लिया है कि ज्यादातर वीडियो ही मैं आपकी लाऊंगा, जब आपको ही समर्पित कर दिया मैंने चैनल। तो थैंक यू सो मच भैया जी, अगेन थैंक यू। तो अभी एक दो फोटो और करा ले, फिर चलते हैं, क्योंकि भैया का भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। बाय बोल के, और थैंक यू सो मच एक बार, और चलते हैं ब्लॉक एंड। ओके, ठीक है, ओके, बाय भैया। तो चलते हैं, भैया से मिल लिए, और अभी मिलाते हैं सचिन भाई से। हेलो सचिन भाई, कैसे हैं? ये ब्लॉक में स्वागत है। और हमारे फकीर है भैया। हेलो भैया, नमस्ते। तो चलते हैं गाइस नीचे। तो गाइस, जिनकी मेहरबानी से होता है सब कुछ, और हमेशा होता रहेगा, हमारे बड़े भैया सोनू भैया सब कुछ नहीं कर पाए। बहुत बहुत थैंक यू भैया जी। भैया ने पहले ही वादा कर दिया था मेरे से। ये विशाल जी का भी मेहरबानी हमारे साथ आने के लिए। हरप्रीत जी को भी थैंक यू, दोनों के साथ मेरी मुलाकात होगी। तो गाइस थैंक यू सो मच, और ब्लॉग को हम एंड करते हैं। भैया से थोड़ी सी बातचीत करेंगे अभी, और मिलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली ब्लॉग शूट हो चुका है, भैया से मिल चुके हैं अभी। अब भैया जाएंगे, निकलेंगे मुंबई के लिए, निकल रहे हैं आज, क्योंकि काफ़ी टाइम 3-4 दिन से अलीगढ़ में ही थे, तो आज मिल गए हम। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलके, पहले भी मिल चुके एक दो बार, लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। थोड़ा नर्वस हो रहा था मैं ब्लॉग बनाने में, क्योंकि ऐसे ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई थी ना अब तक मिलके। हैं नॉर्मल मिले थे, फोटो क्लिक कराए थे। तो आगे चलते हैं गाइस, इस ब्लॉग को प्यार देना, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों पर पहुँचाना गाइस। और विशाल जी को साथ लाए थे, विशाल जी कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा मजा आ गया भैया। मतलब मुझे मैच के बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं देखता हूँ, लेकिन भैया से मिलकर इतना मजा आ गया कि बहुत ही अच्छा नेचर, मतलब उनका लगा ही नहीं कि हम किसी सुपरस्टार से मिल रहे हैं। डाउन टू अर्थ है भैया, हमेशा आए और हमेशा रहेंगे गाइस। तो ब्लॉग को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऐसे मिलते हैं नए ब्लॉग में।